कई लोगों को कम वजन होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। कम वजन होने की वजह से लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन घबराएं बिल्कुल नहीं। कुछ घरेलू तरीके हैं जिनके जरिए चंद ही महीनों में आप अपने वेट को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आप अपने वेट को काफी हद तक बढ़ा लेंगे। आलू को अपनी नियमित डाइट में शामिल करें। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं जो वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके लिए आप आलू को किसी भी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो ज़्यादा तला भुना ना हो। घी खाने से भी वजन बढ़ता है क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स और कैलोरीज अच्छी मात्रा में पाई जाती है। घी को आप रोटी के ऊपर लगाकर या खाने में डालकर खा सकते हैं, या फिर चावल के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे घी की मात्रा अधिक न हो, क्योंकि अधिक घी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। दिन भर में एक से डेढ़ मुट्ठी किशमिश खाने की आदत डालें। ऐसा करने से आपका वजन तेजी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि किशमिश में वजन बढ़ाने के लिए अच्छे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। केले खाकर भी वजन बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। रोजाना केले का सेवन करेंगे तो आपका वजन जरूर बढ़ने लगेगा। केले में भरपूर मात्रा में कैलोरीज पाई जाती है जो शरीर को एनर्जी तो देती ही है, बल्कि वजन बढ़ाने में भी काफी मदद करती है। आप केले का शेक बनाकर पी सकते हैं, केले को खा भी सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप केले का सेवन कर सकते हैं। मूंगफली में भी अधिक मात्रा में कैलोरीज पाई जाती है। मूंगफली खाकर भी वजन बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही पीनट बटर यानी मूंगफली के मक्खन से भी वजन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मूंगफली और पीनट बटर दोनों में ही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो वजन बढ़ाने में काफी मददगार साबित होते हैं। इसके साथ ही बादाम में भी वजन बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। बादाम भी काफी हद तक वजन बढ़ाने में मददगार साबित होता है। इसके लिए 5 से 7 बादाम रात भर पानी में भिगोकर रख दें और अगले दिन पीसकर दूध में घोलकर पिएं। 1 महीने तक रोजाना ऐसा करें, असर जल्दी दिखेगा।